तो आज तो मैं समझता हूँ कि इंडिया के बॉलर्स ने हिस्ट्री क्रिएट कर दिया कि एक टेस्ट मैच में 55 पे ऑल आउट कर दिए। मैं नहीं समझता कि कोई भी टीम टेस्ट मैच में इतने रन पे कम रन पे आउट होगी, सिर्फ 24 ओवर्स खेल पाए। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं सिद्धू, रेवोल्यूशन टीवी के साथ हम लोग बात करेंगे इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका सेकंड टेस्ट मैच देखने को मिला। पहले इनिंग्स की बात करते चलते हैं जिसके अंदर मोहम्मद सिराज ने 6 विकेट्स लिए एंड इंडिया की पूरी टीम को 55 पर साउथ अफ्रीका की पूरी टीम को 55 पर बुक करके रख दिया। ये पाकिस्तानी हमसे जानते हैं कि आज का टेस्ट मैच कितना दिलचस्प लगा सबको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है सर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका सेकंड टेस्ट मैच देखने को मिला, इंडिया ने पूरी टीम 55 पर बुक कर दी साउथ अफ्रीका की। मोहम्मद सिराज छा गए, आज 6 विकेट्स लेकर चले गए। मैम, पहले हमें ये देखने को मिल रहा था ओडीआई में कभी साउथ अफ्रीका की टीम इंडिया के खिलाफ 83 पे ऑल आउट, कभी 115 पे ऑल आउट। तो आज तो मैं समझता हूँ कि इंडिया के बॉलर्स ने हिस्ट्री क्रिएट कर दिया कि एक टेस्ट मैच में 55 पे ऑल आउट कर दिए। मैं नहीं समझता कि कोई भी टीम टेस्ट मैच में इतने रन पे कम रन पे आउट होगी, सिर्फ 24 ओवर्स खेल पाए। जिस तरह मोहम्मद सिराज ने आज बॉलिंग किया तो उसने ये साबित किया है कि वो तमाम फॉर्मेट्स में नंबर वन होना डिजर्व करती हैं। जिस तरह पिछले वो एक दो साल से परफॉर्मेंस दे रहे हैं, कभी 6 विकेट्स, कभी 5 विकेट्स, कभी 4 विकेट्स, तो मैं समझता हूँ कि वो नंबर वन डिजर्व करते हैं। और इसी वजह से ही उनकी टीम आजकल, आप ये देखें, सबसे पहले ये कहा जाता था कि इंडिया की टीम की स्ट्रेंथ जो है उनकी बैटिंग लाइनअप है, लेकिन आजकल आप ये नहीं कह सकते क्योंकि उनकी बॉलिंग भी नंबर वन पे है, बैटिंग भी नंबर वन पे है। तो मैं समझता हूँ कि हम एक्सपेक्ट भी यही कर रहे थे, क्योंकि जिस तरह वर्ल्ड कप में इंडिया के बॉलर्स ने परफॉर्मेंस दी है तो हम एक्सपेक्ट भी यही कर रहे थे कि इंडिया की साउथ अफ्रीका की टीम को जो है वो अर्ली विकेट्स जो है उनकी गिर जाएंगी। बिल्कुल आपकी बात सही है। जब हम एल्गर की बात करेंगे, जिस तरह से कह लें कि सिराज ने एल्गर की विकेट ली 4 पर, उसे आउट कर दिया, उनकी शक्ल देखने वाली थी, कमाल की लग रही थी। आज मुकेश की बात करेंगे, बिल्कुल नए बॉलर हैं और 2 विकेट्स उन्होंने ली और सेकेंड इनिंग्स में भी मतलब ज़बरदस्त खेली जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं समझता हूँ कि जिस तरह साउथ अफ्रीका के बॉलर्स ने जो है उन पर हावी हुए हैं, इंडिया के बॉलर जो साउथ अफ्रीका पर हावी हुए हैं, तो अब और दूसरी बात ये कि जो हेटर्स ये कहते थे कि इंडिया जो है सिर्फ अपने होम ग्राउंड कंडीशंस पे खेल सकता है, दूसरे कंट्रीज़ में जो है नहीं परफॉर्म कर पाता, तो आज उन्होंने ये साबित कर दिया कि हमसे अच्छे बॉलर्स, हमसे अच्छे बैटर्स नहीं हैं। जिस तरह उन्होंने 55 पे ऑल आउट कर दिया, तो मैं समझता हूँ कि ये उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा तमाचा है जो ये कहते थे कि इंडिया जो है सिर्फ होम ग्राउंड पे परफॉर्म कर सकता है। ओके, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है सर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका आज मैच देखने को मिला, कमाल का मैच गया आज, 55 में पूरी टीम साउथ अफ्रीका की बुक हो गई, ऐसे लगा जैसे वर्ल्ड कप का एक बार फिर से नजारा आंखों को नसीब हो गया। बिल्कुल इसी तरह इंडियन बॉलर्स ने बहुत ही कमाल की शानदार बॉलिंग की है, खास तौर पर मोहम्मद सिराज ने जिस तरह से बॉलिंग किया, 6 खिलाड़ियों को आउट किया उन्होंने, तो कमाल का उन्होंने वही रिपीट किया जिस तरह से एशिया कप के अंदर उन्होंने श्रीलंका की टीम को 50 पे ऑल आउट कर दिया था, तो उसमें भी मोहम्मद सिराज ने 6 से 7 आउट किया। तो मोहम्मद सिराज जब भी चलते हैं तो दूसरी टीम को जो है डिस्ट्रॉय करके रख देते हैं, अकेले ही अपने दम पर पूरी टीम को ऑल आउट करके रख देते हैं। आज भी उनको अगर थोड़े से ओवर मिल जाते तो उन्होंने सारे खिलाड़ी खुद ही आउट कर देने थे, बाकी दूसरे खिलाड़ियों को मौका ही नहीं देना था। तो मोहम्मद सिराज इस तरह के बॉलर हैं, उनको अगर थोड़ी सी भी अगर पिच से हेल्प मिलती है तो वो फिर किसी को छोड़ते ही नहीं है। जिस तरह से पहले 5 ओवर के अंदर 3 खिलाड़ियों को आउट किया, तो उसके बाद रोहित शर्मा की तारीफ करनी होगी कि उनके स्पेल को लंबा किया। उनको अक्सर जो होता है कि 5 ओवर के बाद बॉलर को हटा देते हैं, लेकिन जब उनको नज़र आया कि मोहम्मद सिराज को यहाँ पर हेल्प मिल रही है तो उसको लंबा स्पेल करवाया और 9 ओवर के अंदर देखा आपने कि 6 खिलाड़ियों को उन्होंने आउट कर दिया। और जो साउथ अफ्रीकन टीम है, शमी की याद दिला दी, उन्होंने वर्ल्ड कप में 7 विकेट्स लेकर रिकॉर्ड्स बनाए थे और आज सिराज ने कह लें कि यहाँ पर विकेट्स लेकर 6 रिकॉर्ड्स बना दिए हैं। मतलब इंडिया ने आज प्रूफ किया है कि जो हमें कहता है ना कि हमारे बॉलर्स इतने अच्छे नहीं हैं, पिछले मैच में नो डाउट देख के बुरा लग रहा था कि बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं जा रही, लेकिन इस बार तो बॉलिंग लाइन खड़ के रख दी है केप टाउन की पिचेस को। बिल्कुल इसी तरह पिछले मैच के अंदर इंडियन जो है उस तरह से कंडीशन को अडॉप्ट नहीं कर पाए थे जिस तरह से उनको करना चाहिए था, क्योंकि काफ़ी अरसे के बाद ये मेन बॉलर्स उनके वापस आ रहे थे, ना बुमराह वर्ल्ड कप के बाद खेले और ना ही मोहम्मद सिराज खेले थे, तो उनके लिए ये डिफ़िकल्ट था कि पहले मैच के अंदर आकर उस तरह परफॉर्म करते, लेकिन जैसे ही उनको थोड़ा सा कंडीशंस का आइडिया हुआ तो आज आपने रिजल्ट देख लिया कि साउथ अफ्रीका जैसी बड़ी टीम जो अपने घर के अंदर किसी को नहीं जीतने देती उसको 55 रन पर ऑल आउट कर दिया, तो इंडिया की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है सर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका आज कमाल भड़कता तड़कता हुआ मैच देखने को मिला, 55 में पूरी साउथ अफ्रीका बुक हो गई, मोहम्मद सिराज ने छा गया, 6 विकेट्स लेकर हमारी आंखों को वही नज़ारा बख्शा जो वर्ल्ड कप में बख्शा था। बिल्कुल ऐसे है भाई, इंडिया 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 के आगे कोई टीम भी नहीं टिक सकती, चाहे वो साउथ अफ्रीका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कोई भी टीम हो, इंडिया अपना एक लेवल रखता है। उनकी बॉलिंग लाइन आप देख लें, मतलब सिराज, मुकेश ने जिस तरह बॉलिंग की है, मतलब आउट ऑफ सिलेबस आए हैं वो मुकेश, तो ठीक है। तो इंडिया मतलब जहाँ आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि ये परफॉर्म करेगा, उसका दूसरा अल्टरनेटिव आके परफॉर्म कर देता है। मैं कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ पर ख़त्म करूँ? आज हमारे जो किंग कोहली हैं उनकी एक टेक्निक भी चल गई है,
उनने जो है वो सिराज को कहा कि भाई आउट स्विंग को आंखों में समझाया, आंखों में समझाया, एक्सपीरियंस इतना हो चुका है 2007 से 2023 तक वो खेल रहे हैं, ठीक है अभी भी खेल रहे हैं और इतना एक्सपीरियंस जैसे ऐसे लगता है अभी डेब्यू किया है, इतनी फॉर्म पकड़ी है। उन्होंने सिराज को कहा कि भाई आउट स्विंग करनी है, उन्होंने आउट स्विंग की और जो है जॉनसन चलते बने हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म किया इंडिया ने आज। बिल्कुल आपकी बात सही है, नीरज बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, दिल खुश हो गया उनकी बॉलिंग देखकर स्पेशली। एंड कहना मतलब हम क्या कहें कि जिस तरह से मुकेश नए आए हैं, आते ही दो विकेट्स लिए उन्होंने, कमाल कर दिया, वो भी जीरो पर आउट कर दिया, और एल्गर तो आज रोने वाले हुए थे। ऐसे ही है इंडिया में भाई, इतना टैलेंट छुपा हुआ है कि समझ से बाहर है यार, निकालते किस तरह। वो 140 करोड़ उनकी आबादी है, वहाँ से जब वो पिक करके आते हैं मेरिट पे तो इस तरह के आपको मिलेंगे, जो भी आएगा वो मतलब अच्छे ही परफॉर्म करेगा। मैं समझता हूँ इंडिया के अब जो है वो नेशनल T20 की जो टीम बनाने के लिए बड़ी मुश्किल होगी कि यार किस किस को सिलेक्ट करें हम, मतलब इतने उनके पास बॉलर आ चुके, इतने बैट्समैन आ चुके हैं, तो हर एक दूसरे को वो कम्पीट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस लेवल की अब इंडिया की टीम बन चुकी है। अब साउथ अफ्रीका तो आपने देखा, वो उन्होंने जो है वर्ल्ड कप वाली हिस्ट्री रिपीट कर दी है इंडिया ने, कि 55 पे मतलब वही दोबारा उनको ऑल आउट कर दिया, तो मतलब मज़ा आया यार आज वाला मैच देखने पे। थैंक यू सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है सर आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर। बात करेंगे इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका ने, आज इंडिया ने तो छक्के छुड़ा दिए इंडियन टीम के, और कमाल धमाल नजर आया हम लोगों को, स्पेशली जिस तरह से सिराज ने 6 विकेट्स लिए हैं, अमेजिंग रहा, याद दिला दी वर्ल्ड कप की। बिल्कुल ऐसे ही है, देखिए सब एक्सपेक्ट कर रहे थे टीम इंडिया कमबैक करेगा, लेकिन जिस तरह का कमबैक किया है, ये कमबैक नहीं है, ये इन्होंने जलील करके रख दिया साउथ अफ्रीका को उनके घर में जाके, और उन लोगों के मुंह पे एक दोबारा तमाचा मार दिया ओडीआई और T20 में। पहले मार दिया था कि जी हम घर के शेर नहीं है, हम किसी भी ग्राउंड में जाके खेल सकते हैं, वो टेस्ट क्रिकेट में बाकी था, और आज वो भी मार दिया। तो डेफिनेट बात है बहुत अच्छा कमबैक किया सिराज ने, जिस तरह से बॉलिंग किया। सिराज की एक खासियत है, जिस दिन वो लड़का शुरू में एक दो आउट करेगा वो डेफिनेटली फाइफर लेगा, ये हमने 12 दफ़ा देखा है। ओडीआई क्रिकेट हो गई, जैसे उसने एशिया कप के फाइनल में किया, उसके बाद जब इन्होंने आउट किया साउथ अफ्रीका को 83 रन पे, तब भी उस लड़के ने अच्छा परफॉर्म किया। आज आप खुद देख लें, एक दो आउट किया उसके बाद उसने 6 खिलाड़ी आउट करे, मतलब कि हाफ से ज्यादा टीम वो अकेला बंदा ही उड़ा देता है। आज एल्गर को रुला दिया इन्होंने, डेफिनेट सी बात है। देखिए क्या कहूँ आज मैं टीम इंडिया की परफॉर्मेंस पे, आज वो लोग मैं कहता हूँ शर्म से डूब मरने का मुकाम है, जो लगे थे इंडिया के पास बॉलिंग नहीं है, इंडिया के पास सिर्फ बैटिंग है, कितना क्रिटिसाइज करते थे टीम इंडिया की बॉलिंग को, लेकिन जिस तरह से उन लड़कों ने इम्प्रूव किया है खुद को, जितना अप्रिशिएट कर लें उतना कम है। देखें 2020-21 में ये वही सिराज था जिसको रन्स लगते थे, सारे कहते थे कि जी इसको हाइप दे रहे हैं, ये कुछ बॉलर नहीं है, ऑर्डिनरी सा बॉलर है, लेकिन जिस तरह से उस लड़के ने अपनी स्किल्स को इम्प्रूव किया है, खुद को ग्रो किया, जिस तरह से कमबैक किया है, अब वही लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं, तो ये बहुत ज़बरदस्त कमबैक है। थैंक यू सर। ये थी पाकिस्तानी वाम की राय, आपकी क्या राय है आप हमें नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।